कांग्रेचुलेशन नहीं बोलते। तो ऐसा भी रहता है क्या सम्मान का? ये वाला 120 कुछ नहीं 70 रुपए में लिखे जाता हूँ। जिसका है वो जितना बोल के 150 रुपया बेचता है, वो घर पे गया। अच्छा आना दोबारा पूछ लेना। दोबारा क्या क्या हम को निराश नहीं कर। दिस गाय इज ऑलवेज बिजी ऑन फोन। प्लीज 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 जल्दी जल्दी। स्टूपिड गाय, दिस स्टूपिड प्रोफेसर ऑलवेज बिजी। ये सर का नाम है सोनू। बोलो गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। आज हम लोग कारवा स्कूल में सारे लोग जमा हुए हैं और ईद की पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है। और ये ईद की पार्टी हमें बहुत ही प्यारी यूट्यूबर ने ऑर्गेनाइज की है, जिन्होंने इस पूरे रमजान में बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए फंड रेस करने के लिए और इस ईद की पार्टी को अच्छा करने के लिए। मैं उधर इनवाइट करती हूँ नगमा सैयद को, जिन्होंने इस ईद की पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया है। काफी मेहनत की है ईद के पूरे रोजे में, ये ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग बनाते बनाते उन्होंने इतनी मेहनत की बच्चों की फंड रेजिंग के लिए, ताकि ईद के जिस मौके में वो उनको सेलिब्रेट कर सके। देखिए ईद की जो खुशी होती है ना, वो हम अकेले तो मनाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को कुछ देकर मनाते हैं ना, तो वो ज्यादा खुशी होती है। एंड इसके लिए रियली प्राउड और इसने बहुत मेहनत की है। एंड मैं यही चाहती कि हमेशा कारवां के साथ जुड़े रहें। और नगमा, मैं तुम्हारी जर्नी जानना चाहती हूँ कि तुमने ब्लॉग्स में जो जो कहा है या तुम्हारा क्या एम है, जरा बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम कारवां फाउंडेशन के साथ हैं। आज हम लोग हमारी जो ईद है वो इनके साथ, इनके बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो मेरा नाम नगमा है और मैं नगमा सैयद मेकओवर्स और रन करती हूँ, जिसमें मैं मेकअप वगैरह सिखाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ब्यूटी सर्विसेज के रिगार्डिंग है। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग भी करती हूँ, यूट्यूब पे चैनल भी है, सोशल मीडिया के साथ बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा था कि इस रमज़ान का कुछ अलग करते हैं। वैसे तो हम रमज़ान मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं घर में, सबके साथ यू नो फैमिली के साथ रहते हैं। तो इस बार ऐसे लगा कि अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फंड रेज का स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने काम के साथ शुरुआत की। काम के साथ मैंने अपना 20% जो वर्क का है, जो यू नो अमाउंट का है, वो मैंने इस डोनेशन में डाला। उसके बाद मेरी पहली क्लाइंट आई जिन्होंने बोला कि मुझे डोनेट करना है इसमें। तो मैंने सोचा जब ये क्लाइंट बोल सकती है कि मुझे डोनेट करना है, तो ऐसे कितने होंगे क्लाइंट्स जिनको डोनेट करना होगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया कि लेट्स यू नो डोनेट। इस रमज़ान में नीडी पीपल की हेल्प करते हैं, उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनके फेस में हमारे वजह से स्माइल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डालने के बाद बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, वसीम के तरफ से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट हम ऐसा कुछ ढूंढे, ऐसा कुछ स्कूल ढूंढे जहाँ पे हम बच्चों की मदद कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करने से अच्छा जो बच्चों की मदद करने के बाद जो हमें खुशी और उन बच्चों को खुशी मिलती है, ऐसी खुशी दुनिया के कहीं कोने में नहीं है। तो मैंने सोचा कि बच्चों की हेल्प करते हैं और बच्चों के जो फेस पे स्माइल आएगी, तो वो स्माइल तो मेरी पूरी टीम को चाहिए।
तो इसीलिए हमने ये पूरा प्लान किया। फिर हम शाइना दी से मिले, हम यहाँ पर आके बात किए कि कैसे कैसे क्या करना है, पूरे रमज़ान इसकी प्लानिंग की, जो कि ब्लॉगिंग के यू नो इसमें भी बताया है कि कैसे क्या क्या हुआ है। एंड उसके बाद आज ये ईद के दिन पे आकर हम इस बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई होप ये अच्छा जाए और आगे भी हम इस फाउंडेशन के साथ यू नो जुड़े रहे एंड इनके लिए और भी आगे कुछ करते रहे। तो बस आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा आगे भी तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे बढ़ेंगे। माय नेम इज माली साइमा और मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और नीट की मेरे एग्जाम में जुलाई में। क्लैप क्लैप। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड नाउ। सो हाय बच्चों, मेरा नाम मैरी है और मैं बचपन में सोचती थी बड़े होके कंपनी में काम करेगा, बट अब मैं एज अ एनजीओ में काम करती हूँ, अभी वैक्सीन सेंटर में। यस, मनीषा कोटियान। सपने मेरे बहुत सारे थे, कभी ट्रेन चलाना, कभी एरोप्लेन चलाना, कभी क्लास खोलना, बाइक तो ठोक गया आ गई, एरोप्लेन और ट्रेन चलाना तेरे को। बाइक ठोक गया मैंने और अभी फिलहाल मैं सोची कि मेरे एनजीओ लाइन में ही मैं कुछ करूँ, तो माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो सारी चीजें। थैंक यू। ओके, क्लैप क्लैप क्लैप। मेरा नाम मनीषा कोटन है, मुझे हेयर ड्रेसर बनना था बट फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं भी SBI बैंक में काम करती हूँ और मैंने BCOM ग्रेजुएट किया। राजेश्वरी। हाय, मेरा नाम बेबी है। मैं 12th पास हूँ, मैं प्रोफेशन से एज अ नर्स हूँ मैं। ओके, दैट्स वेरी गुड यार। थैंक यू। यस, मिस्टर राजेश, आप बोल सकते हैं जो भी आप। माय नेम इज राजेश, मैं प्रोफेशनल है ड्राइविंग। ओके, बाकी 12th पढ़ा जा सकता है। ओके, ग्रेट। सो गाइस, आई एम सोनू मालिक। माय फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, बट मेरे को इंजीनियरिंग में किक नहीं मिली। आई एम ऑलवेज प्लेइंग फॉर फुटबॉल फॉर मैनी क्लब्स ऑन द तमिलनाडु स्टेट, तो मैं स्टेट लेवल भी खेल चुका हूँ। फिर मैं यहाँ पे आया एंड राइट नाउ आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर एंड पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा हूँ, बहुत सारे क्लब्स के लिए अभी खेल भी रहा हूँ। तो जो पैशन है उसको फॉलो करो, स्टडीज नहीं तो पैशन को फॉलो करके उसको आगे बढ़ाओ। कहीं आप साइमा मालिक की बहन, ये तो नहीं, भाई तो नहीं। My name is Kuldeep Wala, and I'm a seaman. मतलब बनना है, अभी तो बना नहीं हूँ, बट ट्राई प्रोसेस चालू है। सीमैन का मतलब क्या, उसमें क्या, नेवी में? नेवी में, नेवी में, मर्चेंट नेवी। ओके, मर्चेंट नेवी। ओके, थैंक यू। सर का भी पूछे क्या हम? सर, हाँ सर जी, CEO जोर से बोलिएगा। I'm getting nervous. हाय बच्चों, मेरा नाम, हाय बच्चों, मेरा नाम वसीम है, सभी लोगों को हाय बोलता हूँ मैं। और मैंने पढ़ाई कितनी की मुझे पता नहीं, बट मैं बहुत कुछ रोज सीखता रहता हूँ और मैं पेशे से मैं एक प्रोफेसर हूँ। और मुझे ये एजुकेशन का, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का लेवल, मुझे ये इतने चेंज लाना है। और मेरा कोई गोल नहीं है लाइफ का, बस यही मेरा एक गोल मैंने सेट किया है, इधर शायद मैं हैप्पी हूँ। हाँ, इसके लिए एक गोल है। एक और सजेस्ट कर सकती हूँ, यू कैन बिकम अ गुड आरजी आल्सो। तुम्हारा जो वॉइस है, लाइक इसका जो वॉइस है, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, तो शायद तुम यू कैन गो फॉर द एंकरिंग और आरजी। किसी ने अपना इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोडक्शन देते समय और रहा करके बोला, तो मैं किसी चीज को बहुत इन्फ्लुएंसिंग भी हूँ, उसको ये नाम अच्छा नहीं लगता था, बट सीधा मेरा नाम रहा ऐसा आया, मतलब उसका नाम राजेश्वरी था। मैंने रखा है। डॉक्टर बनने का, वाह, क्लैप करो इनके लिए। चलो स्टैंड अप। माय नेम इज सारी।
क्या कितने स्टैंडर्ड में? क्या बनना चाहते हो? हजरत माशाल्लाह। चलो आप बताओ जोर से। उबैर कौन सी क्लास में हो? सेकंड में हो। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। कौन सी क्लास में हो? LKG में। क्या बनना चाहते हो? फौजी। इतने इतने बच्चों के भाव देख। आपका नाम? ओके, कौन सी क्लास में हो? एट में। क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आप? दिलशाद। कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। आप भी पुलिस के? ये पूरा ग्रुप पुलिस में जाना चाहता है? अच्छा अच्छा, नहीं एक रीजन बताओ पुलिस में क्यों जाना चाहते हो? मतलब कोई रीजन है आपका? कुछ अच्छा लगता है? क्या लगता है तुमको? जोर से बोलेंगे। अच्छा, जोर से लेना। एक मिनट, हाँ वापस से बोलेंगे। क्या है आपका नाम? कैफ। ओके, कितने कौन से स्टैंडर्ड में हो? थर्ड में। क्या बनना चाहते हो? हाँ, ऑफिसर। ऑफिसर, अरे वाह। आपका? शमशुद्दीन। शमशुद्दीन, कौन से स्टैंडर्ड में हो? फोर्थ में। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। अच्छा, ये पूरा ग्रुप पुलिस में जाएगा, एक साथ काम करोगे फ्यूचर में, फिर एक ही डिपार्टमेंट में? हाँ, पुलिस फोर्स। तो हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे उस वक्त, तो आएंगे आप लोग? yes. करेंगे हमारी मदद? yes. मार के भगा तो नहीं दोगे? अच्छा, आपका नाम? काजल। कौन से स्टैंडर्ड में हो? फर्स्ट में। क्या बनना है आपको आगे? डॉक्टर। अरे वाह, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है, जल्दी बताओ। बोल। शर्मिली नाम बहुत छोटी थी। अरे नाम बोलिए, इसका नाम नहीं है। आपको क्या बनना है? आई थिंक सो शी कैन से। आपको क्या बनना है बड़ी? वो नहीं, एटलीस्ट नाम तो बताएं। आपका नाम क्या है? जल्दी बोलो। अच्छा, कार्टून कौन सा देखते हो? कौन सा कार्टून देखते हो? शिनचैन। ये शिनचैन की वॉइस बहुत अच्छी निकालती है। जल्दी बोलो, शिनचैन देखते हो? हाँ, की वॉइस सुनना है तो अपना नाम जल्दी नाम बताओ, तो मैं शिनचैन की वॉइस निकालूंगी। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बहुत अच्छी शिनचैन की वॉइस, शिनचैन यही बोलते हैं। जल्दी बोलो, क्या है आपका नाम? आपको क्या बुलाते हैं घर पे? क्या बुलाते हैं? ममता। सही में ममता नाम है? हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हाय ममता, कैसी हो ममता? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारा नाम बोलो जल्दी। सागर। कौन से स्टैंडर्ड में हो? फोर्थ। क्या बनना है आपको? फौजी में जाना। अरे वाह। हाँ जी, मेकअप चेक कर रहे हो? दिशा, कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेवन। क्या बनना है आपको? टीचर। अरे वाह, पहली टीचर ये क्लास। कौन सी क्लास में हो बेटा? क्या बनना चाहते हो? टीचर। सारी लड़कियां टीचर और सारे लड़के फौजी बने हैं यहाँ पे। कारवा का नया फ्यूचर। फिफ्थ में हो। क्या बनना चाहते हो? टीचर। सुनैना। फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो। क्या बनना चाहते हो?
आर्टिस्ट कौन सा किसी को देख के ऐसा लगता है कि हाँ मैं टीचर बनना चाहिए? ऐसा क्यों फील हुआ कि आपको टीचर बनना है? किसी को शायना दी को देख के टीचर बनने के रीजन क्या है? चलो अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दो. माय नेम इज मुस्कान, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड. देन मेरा ड्रीम है सीए बनने का, बट टीचिंग फील्ड में अब एंटर की हूं, तो थर्ड टाइम टीचिंग ही करूंगी. ओके वाओ माशाल्लाह, अच्छी बात है. जैसे बच्चों ने अभी बताया कि हमारे कारवां स्कूल के किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर या पुलिस, सुनकर बहुत अच्छा लगा. बट इसमें मैं एक चीज शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों को ना एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है. बचपन से टीचर, पुलिस और डॉक्टर यही पता है. तो हम लोग ना आगे जाके सोचते या तो टीचर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी या पुलिस बनूंगी, बट हमारे मार्क्स नहीं आते उतने, कुछ भी नहीं बच पाते. फिर हम लोग कोई भी जॉब में जाते हैं, किसी के पार्ट टाइम जॉब लग जाते हैं, या फिर किसी के अंडर में हम लोग लाइफ टाइम ऐसे ही निकालते हैं और सोचते कर क्या रही है मैं. बट कुछ हमारे अपने पास सोल्यूशन ही होता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह कारवां फाउंडेशन का नेक्स्ट प्लान है, अगर आप जैसे लोग जो आज आए हैं नगमा सैयद मेकओवर की टीम से एंड इवन नगमा जितने लोग मेरे साथ आए हैं, अगर आप लोग हमें एसोसिएट करते हैं तो इंशाल्लाह ये मानपुर नहीं, ये मंडाला नहीं, अपने ऑल ओवर बॉम्बे, महाराष्ट्र, इंडिया हम लोग काउंसिलिंग सेशन करेंगे. काउंसिलिंग सेशन जो बच्चों को प्रॉपर गाइड दे. और आठवीं स्टैंडर्ड जो होता है ना, आठवीं स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, तब से उनके माइंड में डाल देना चाहिए सेवेंथ स्टैंडर्ड के, देखो ये चीजें हैं, इसमें आप ये बन सकते हो. यानी वो सपना जो है ना करियर गाइड बहुत सारी जगह है जहाँ पे बच्चों को पोस्ट मिलती है, गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है. तो कारवां फाउंडेशन का ये ड्रीम है कि आप जैसे यंग क्राउड हमारे साथ जुड़िए और इस जो काउंसलिंग सेशन को हम लोग ऑल ओवर बच्चों में छोटे लेवल से बढ़ाएं, ताकि उनको उनका ड्रीम पता चले कि हाँ मुझे अगर ड्राइंग करना है तो मैं ये बन सकती हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट साइंस है तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है. उनको हम लोग ऑप्शन दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, और टेंथ में आने के बाद वो अपनी मंजिल चुन सकते हैं विद अच्छी सैलरी और अच्छे रुतबे के साथ, अच्छे पोजीशन के साथ. तो इतना ही बोलना चाहूंगी कि प्रॉपर रास्ता दिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है. एंड कारवां फाउंडेशन उस चीज के लिए चाहता है कि आप लोग हमारे साथ मिल जाइए और हम लोग इंशाल्लाह इस काम को शुरू कर दें. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मेरा नाम बिलाल खान है और आज जो यहाँ मेहमान आए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर आके इन बच्चों का हौसला बढ़ाया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा, मैंने 12th के बाद डीएड किया हुआ है और कारवां फाउंडेशन में स्कूल है कहना मन के साथ लगभग एक साल होने हैं हमें जुड़कर. और मैं वाकई यहाँ इस तरह से जुड़ गया हूँ कि अब मैं नहीं चाहूँगा कहीं और मैं जाऊँ. सर तो सबके सामने मैं इसलिए चाहूँगा कि मैम जो कर रहे हैं उसको मैं खुद ये चाहूँ कि मैम के साथ मिलकर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ. क्योंकि ये कारवां मेरे अकेले से नहीं बढ़ेगा. कारवां का मतलब है लोगों की टीम है, क्योंकि शाइना जो है वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी. अगर बड़ा करना है जब लोग साथ होंगे तो ही हमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं. थैंक यू.